हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल VGFX पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो एडिटिंग के बारे में, जो कि अडोब प्रीमियर 2021 आया है, तो उसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों आप इसको i5 पे भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने सिस्टम पर विंडोज 10 इंस्टॉल करनी होगी, क्योंकि विदाउट विंडोज इंस्टॉल के ये उस सिस्टम को यानी कि विंडोज 7 को सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप विंडोज 10 इंस्टॉल करें और उस पर काम करें। दोस्तों आइए जानते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में कि अडोब प्रीमियर 2021 के लिए आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या पड़ने वाली है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको सिस्टम 6th जनरेशन का आपका न्यूअर प्रोसेसर होना चाहिए, AMD ले लीजिए या इंटेल का आप परचेज कर लीजिए। इंटेल का अगर आप लेते हैं तो और भी अच्छा है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो होती है 10, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के ऊपर ही ये यूज होगा, बाकी और उससे लोअर वर्जन पे ये सपोर्ट नहीं करेगा। विंडोज 7 पे भी आप कर सकते हो, विंडो 8.1 पे भी कर सकते हो, विंडोज 7 पे भी आप यूज कर सकते हो, विंडोज 8.1 पे भी कर सकते हो। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 वर्जन पे ही इसका यूज कर सकते हैं, बाकी उसके बाद में वो भी आपकी 64 बिट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप विंडो 7 पे इसका यूज कर रहे हैं, विंडो 8.1 पे इसका यूज कर रहे हैं, तो ये सपोर्टेड नहीं है उसमें, क्योंकि इसके लिए आपको विंडो 64 बिट ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। HEIF से इंपोर्ट सपोर्टेड ओनली विंडो 10 वर्जन, इसका भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों 6GB से नीचे इसमें रैम आपकी नहीं होनी चाहिए, अगर 6GB से नीचे रैम होती है तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो कम से कम आपको 10GB की रैम रखनी पड़ेगी या 12GB की, जिसका आप यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट 12X इसमें कंफर्टेबल साउंड एंड डिस्प्ले ड्राइवर लगे हुए हैं, जो कि जो ना आपको विंडोज 10 से ही मिलते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर भी इसमें इंक्लूडेड फॉर्मेट दिया हुआ है, क्योंकि कई में विंडोज मीडिया प्लेयर जो फॉर्मेट होता है उसका यूज हम तब करते हैं, जैसे कि आपको कोई वीडियो सपोज कीजिए उस पर यूट्यूब पे डालनी है, तो उसके लिए विंडोज मीडिया प्लेयर का फॉर्मेट हम डाल सकते हैं। डालने को तो MP4 भी डलता है, बट क्या है विंडोज मीडिया प्लेयर की जो फाइल होती है वो बहुत छोटी होती है। अच्छा, मैक OS पे अगर आप जाते हैं तो इंटेल 6th जनरेशन ऑफ न्यूअर प्रोसेसर के साथ में होना चाहिए। मैक OS के 11 है, 8GB अवेलेबल इसमें हार्ड डिस्क का स्पेस होना चाहिए। बोथ ऑफ विंडो में मैक के जो अलावा विंडो होती है उनमें 8GB रैम होनी चाहिए आपकी। इंटेल i7 न्यू प्रोसेसर AMD 16GB रैम HD मीडिया के लिए, 32GB 4K मीडिया के लिए होनी चाहिए, 4GB व्यू रैम होनी चाहिए, फास्ट SSD एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कैच होना चाहिए, हाई स्पीड आपकी ड्राइव होनी चाहिए, यानी कि SSD आपकी ड्राइव होनी चाहिए, जिससे कि आप इसको और भी ज्यादा फास्ट कर सके। अच्छा, अडोब प्रीमियर एलिमेंट सपोर्टेड क्या क्या है इसमें, AVCHD इंपोर्ट ओवर DV AVI भी आप सपोर्ट करते हैं, जो कि कैमरे के लिए यूज होती थी। H264 का फॉर्मेट जो होता है MP4 का फॉर्मेट होता है, दोस्तों MP4 के फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं इसमें। और प्रीमियर एलिमेंट 2021 आ गया है और फोटोशॉप एलिमेंट 2021 भी आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसके लिए जो ना सिस्टम की रिक्वायरमेंट आपको थोड़ा सा हाई रखनी पड़ेगी, तो मेरा ये मानना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तो आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।